केले केले सेब खाया जा रहा है। तू भी खाएगा, लाऊं तेरे लिए। लाने की जरूरत है तो सही तेरे हाथ में। यू तो झूठा हो गया, ला तेरे लिए दूसरा ला दूंगी। खुआना तो यू ही खुआ दे, दूसरे के बहाना बनावे। ले पकड़, नीचे आके दे। चिनाऊंगी मैं यहीं से, पकड़ ले। क्या फेंक। वाह, चल इसके ओर को मत देखे। मजा आ गया। हाँ, मजा तो आता ही, और जो है लठ बच जाता है ना, बिल्कुल पागल। ध्रुवन अब बात बन सके मुझे लग रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल बन सके, लग जा रहे। ए, पानी लाइए दो गिलास। मेरे यार कहीं सेव के ऊपर भी पानी पिया जाके। अरे कुछ ना होता, सब चल जाए। और देखा नहीं कैसे दिया था उसने। ला बहन। ए बबली, तू कैसे उदास है? कुछ ना भाई। अरे अरविंद, यू के चक्कर है, यू कैसे परेशान है? अरे कुछ ना। अच्छा तो इसका यू ही रोने वाला मुंह हो रहा? अरे कुछ ना है। अच्छा तो मैं ही पूछूंगा क्या बात है। बबली मुझे बता, अरविंद ने कुछ कहा तुझे? ना भैया, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर क्या बात है, मुझे कोई कैसे कुछ नहीं बता रहा? अरे कुछ ना, ऐसे घड़ी पसंद आई थी, मैंने दुआई ना। अरे क्यों ना लाया, मुझे बता कौन सी दुकान है, मैं लेके आऊंगा अभी। अरे मैं ले आऊंगा। और ले आइए, और जो ही ना लावे मुझे बता दिए, इसे ठीक कर दूंगा मैं। और अच्छा चल रहा हूँ मैं अब। अब ना करूं कुछ ऐसा। तो फिर मैं क्या करूं? भैया मैं सच कह रही, अगर जब मैं कॉलेज ना गई ना, तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। बात तो तेरी ठीक है, पर मैं क्यों कर यकीन कर लूं कि तू सुद्धी कॉलेज जागी? भैया आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपनी यह बात, जा। हेलो हेलो कमल, मुझे बहुत डर लग रहा। बबली, प्यार करने वाले कभी डरा नहीं करते, और वैसे भी हमें डरने की क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है। ये बात तो ठीक है कमल, लेकिन 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 मत कर, कल आ रही है ना पक्का, बस इतना बता। हाँ मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कल पक्का आना है, खा मेरी कसम, कल तू पक्का आवेगी। अब देख कमल, मैंने तेरे लिए अपने भाई की झूठी कसम खा ली, पर तेरी ना खा सकूं। इसका मतलब आवे नहीं तू? मैं तेरे से कल मिलूंगी। तो फिर खा कसम। जब मैंने कह दी मैं कल आ जाऊंगी। ना, पहले खा। जब मैं कह रही हूँ ना, पहले कसम खा फिर मान लूंगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा। अच्छा बाबा, तेरी कसम, और कुछ? हाँ ये हुई ना बात। ए भगवान, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं, कोई तो रास्ता दिखाओ।
कहाँ है? क्यों के बात हुई बेटे? तूनू पता है कहाँ वो? अरे कुछ तो हुआ होगा, बबली को लेके भाग गया वो। ये कह रहा तू होश में भी है? हाँ मैं होश में हूँ, देखियो मोबाइल और चिट्ठी। अरे देख ये अलमारी में पैसे धरे धरे भी हैं कि ना? अब धरे हैं पैसे, ले गया वो सारे। अरे होश तो ले ले। पैसे तो ना अलमारी में। भाई गजब हो गया यू तो। अरे वापस में लड़े तो क्या होगा, दोनों घरों की इज्जत का सवाल है। यू आगे क्या करना है ये सोचो। कुछ कह भी करो तुम, सब पता है ने। क्या कह रहा है तू, अपनी तो संभाली नहीं जाती, हम पे इल्जाम दे रहे हैं। जीप थार पे अपना छोड़ा नहीं रखेगा, थारे पैसे तो लेके भाग गया, हमारी छोरी को भी लेकर भाग गया वो। पहले तो अपनी को देख, पता नहीं लुच्ची लफंगी किसके साथ भागी है। फिर मुझे मत कहिए, काट दूंगा मुझे मिल गया तो। जहाँ तुझे मिल जाना काट दीजो, और जो तेरे पे तोप चलाई जा चला लीजो। मारा छोरा जो ना मिला अपनी छोरी को काट दियो और जाके डूब के मर जाइयो कहीं। अरे अरे देखिए अरुण क्या होगा तेरी माँ को। माँ 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 तुझे ठीक ना ठीक है, क्यों आई तू यहाँ, घर क्यों ना रही तू? प्रधान जी मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, और उन दोनों बच्चों को हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की। और हाँ आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। दरोगा जी थोड़ा सा ध्यान सा देकर। प्रधान जी आप फिक्र मत करो, हम उनको दोनों बच्चों को जल्दी ढूंढ निकाल लेंगे। भाइयों हालात बहुत खराब हो चुके हैं, आज की युवा पीढ़ी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने गांव, गुहांड और गोत्र में जो छोरा छोरी का रिश्ता बहन भाई का हो है उसे कलंकित किया है। आज जो समस्या भाई देवेंद्र के घर में है, हरपाल के घर में है, कल वो समस्या मेरे घर में भी हो सकती है और तुम्हारे घर में हो सकती है। हमारे घर में कैसे हो सकेगा प्रधान जी, अगर सब अपने छोरे छोरी संभाल कर रखे तो यह दिक्कत ना आवे। अरे यूँ नाश्तो वही हुआ करे, जहाँ माँ बाप थोड़े से पैसों का ब्योत होते ही अपने बालका का हाथ में मोबाइल दे दे और पैसे दे दे। अरे ये बात तो बाद में भी जाएंगे, पहले ना ढूंढ तो लो। ढूंढे कहाँ, हनीमून मना रहे हो कहीं दोनों? भाइयों पंचायत खराब मत करो, यो मामला दो परिवारों का नहीं पूरे गांव का है। भाइयों फैसला लेने में देरी क्यों, ये गांव की इज्जत का सवाल है, वो दोनों जहाँ भी मिलेंगे उन्हें काट दिया जाएगा, क्यों भाई लोगो? भाइयों काम राम का फैसला, पंचों का फैसला मेरा सिर मत, उन्हें मार दो काट दो जो मर्जी सजा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। पर हाँ एक बात हाथ जोड़ के मैं विनती जरूर करना चाहूंगा कि जब उनसे हमारा ताल्लुक ही खत्म हो लिया तुम्हारे लेखे तो वो मर लिए, अब तुम क्यों अपने हाथ उनके खून में रंगने बतुले हुए हो? करो तो कुछ ऐसा फैसला करो कि आगे कोई बच्चा ये कदम उठाने की हिम्मत ना कर सके। अरे बिछाओ नदरी, छह घंटे खराब हो गए पंचायत में। नदरी बिछा भाई, वो जान दे क्या हो गया, कम से कम लोगों की शिकायत तो दूर कर दी। नू क्या करते पंचायत में नहीं जाते, पंचायत में नहीं जाते, आज ही गए और आज ही करा दिया फैसला। पंचायत का फैसला हो गया ठीक, के सही ठीक हुआ, अगर दूसरे का होता ना तो मरवा देते ये चौधरी और अपने को बचाते फिर है। अरे बाट ना पत्ते ये तो चलता ही रहे। आ
की बात तो तुमने मान ली। माँ के कलेजे से भी पूछी, मैंने तो उसे पेट में 9 महीने रखा। तुम क्या जानो मेरे दर्द को। छोरा तो दिख गया तुझे, परिवार की इज्जत नहीं दिखी। जिसको बट्टा लगागा आरामखोर, मारे भी छोरी है, कैसे हाथ पीले करेंगे उसके। अरविंद, 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 तेरा इस तरह मुंह लटकाए बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। मुंह उठाऊं तो किस मुंह से, हमें मुंह उठाने लायक भी तो नहीं छोड़ा उसने। क्यों, जब गलती उन्होंने की है तो सजा भी तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। तू अपने आप को क्यों सजा दे रहा है? और वैसे भी मैं उस लड़की को लड़की नहीं मानती जो अपनी मर्यादा को भूल जाए और उसे तोड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाए। सही बात है, पहले मैं तुझे एक जिद्दी और घमंडी लड़की समझता था, पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि हर घर को तेरे जैसी लड़की की जरूरत है, जो हर जगह हर स्थिति में अपने माँ बाप का विश्वास कायम रख सके, ताकि हर माँ बाप अपनी लड़की को बेफिक्र होकर कहीं भी भेज सके घर से बाहर। ऐसी लड़कियों की नहीं, जिनकी वजह से पूरे परिवार कलंकित हो जाते, जो कभी सर उठाकर भी नहीं चल पाते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर तुम्हें इस गलानी में अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरविंद, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, उसे कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ तुम बहादुर लड़के हो और तुम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाओगे। पहली बार देखे इतने लवे लवे दो समझियो के घर। अरे प्रकाश से हनीमून वाले आए ना ये भी। हरपाल के लुंडे तो हद कर दी भाई, गली गली में तो ब्याह कर लिया। अरे प्रकाश से पता लगा उन छोरा छोरियों को। अरे भाई पता चल जाता तो घर जाके मिलाई ना करी आते जमाई की। अरे मिलाई के अब मजा होगा जब दोनों देवता देवतियों को गोद में खिलाओगे। इज्जत का ना सुनो, हे भगवान इसको तो अच्छा मौत दे दो। प्रभु अरे तेरा जिज्जा मिला के ना मिला। अरे भाई तू चाचा बनेगा मामा। प्रधान जी राम राम। राम राम, आओ कैसा आना हुआ। दोनों लड़का लड़की बरामद हो गए हैं, दोनों के परिवार वालों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अच्छा तो हम अभी आ रहे हैं,
ठीक है प्रधान जी, मैं उन दोनों को आपके सामने बुला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से यह हिदायत है, ज्यादा जज्बाती ना हो, समझदारी से काम लें। इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था, इसके लिए इस लड़के को मैं अंदर कर सकता हूँ। नाराज मत होइए दरोगा जी, ये छोरी का भाई है, गरम खून है, इसकी ओर तो मैं माफी मांगू। आप लोग चाहते क्या हैं? देखो जी, हम तो ये चाहे बच्चे इनके परिवार को सौंप दे जावे। जी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दोनों बताओ, जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ? जी हम नहीं जाना चाहते इनके साथ। क्यों ना जाना चाहते? जी हमें मार डालेंगे। देखो प्रधान जी, अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं इनको बिल्कुल नहीं सौंप सकता। क्यों नहीं सौंप सकते? ये तो नाटेंगे ही, इन्हें आना होता तो ये भागते ही क्यों? देखो हमें इनकी जरूरत, हम तो इन्हें लेके जाएंगे। देखिए जी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हमने पूरी तब्दीस कर ली है, ये दोनों बालिक हैं और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है, और इन दोनों को पति पत्नी के रूम में रहने का पूरा अधिकार है, और इन हालातों में मैं इनको आपको नहीं सौंप सकता। बजरंगी इन बच्चों को ले जाओ। हम लेके जाएंगे, इसका फैसला पंचायत करेगी। डर होगा, हाय हाय, डर होगा, हाय हाय, डर होगा। भाइयों शांति करो, इसका फैसला खा पंचायत करेगी। डर होगा, हाय हाय, डर होगा, हाय हाय, डर होगा, हाय हाय, डर होगा, हाय हाय, डर होगा, हाय हाय। अरविंद, बबली का पता चल गया है। है कहाँ है? दिल्ली के तिलक नगर में एफ ब्लॉक की गली नंबर 4। गली के एक कोने पे मंदिर है और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर लगा है। आराम से रहना।
अंदर आ जाओ भैया। भैया आ जाओ अंदर, आओ अंदर आओ भैया। आओ भैया। आओ भैया बैठो। अभी तो वे यहीं पीते, पता ना कहाँ चले गए। चाय वाय बना ले। मैं चाय बनाती हूँ। बिस्कुट खत्म हो गए जी, मैं बिस्कुट लेके आऊं। जा लिया। गांव में सब ठीक ठाक? अब तो गांव में जिक्र नहीं होता होगा किसी बात का। चुप क्यों बैठा, कुछ तो बोल। खैर भाई, शुरू शुरू में तो दिक्कत होवा ही करे, और वैसे भी हम साथ खेल ले कूद दे, पर इब तजे मजे जीजा कहना पड़ेगा। एक बार गांव में आन का जी तो करा था, पर फिर नू सोचा कि बालक नन्ना हो जा जी भी आ जा गांव में। साले कुत्ते कमीने जलील कर दिया तने हमें, एक मासूम की जिंदगी खराब करके बच्चे खिलाऊं तेरे हैं? बबली रोक ले से, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। भैया नहीं नहीं भैया, प्लीज छोड़ दो भैया, तुम मेरे स्वास्थ्य को। हट जा बबली, हट जा तू, हट जा तू। कमल नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज, भैया प्लीज मत मारो हमें। हे भगवान, ये कुकुर अनहोनी हो गई। पता ना कहाँ रहेगी, बहुत देर कर दी। आज पता ना क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही। हे भगवान, कुछ अनहोनी ना हो जाए। खरे तू कहां रह गया थारे, इतनी देर कहाँ लगा दे, ना तड़की दे रोटी खाई और तेरा दूध भी सड़ा हो गया, या रोटी लाऊं तेरे लिए। जिस बात का डर था वही होगी, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ठीक हूं, तने ठीक करी या गलत करी? तू अभी तक यहीं खड़ा रहे, हाथ मुंह ना धोए, रोटी खा ले बेटा, दूध पी ले, फिर सोना भी है। की बात है आज है? देखिए तेरे पिताजी ने भी सुबह से रोटी ना खाई, सुबह से भूखे हैं।
तुम बिना कह रहे से रोटी खाने को के बात के कहूं बो तेरे बगले मार दी। अरे नाच पिट्टे यू के करा तूने दया भी नहीं तुझे। अरे भाई बहन की रक्षा कर रख रहे हमारे करे दिखाना गया तो क्या करता मैं ऐसा। ओ बाप जिसकी नजर हजारों आदमियों में नहीं झुकती थी आज गली के कुत्ते से नजर नहीं मिला सकता। जिसके कंधे पूरे समाज का बोझ उठा सकते हो आज खुद के वजन से टूटते थे घुटने टूट गए उसके मर मर कर जी रहे हो। और तू जिसके पास औरतों का बेड़ा लगता था आज खुद की परछाई से भी डरती है घुट घुट कर जीती है तू। अगर तुझे अभी भी लगे कि मैंने जो किया गलत किया तो तू जो चाहे मुझे सजा दे ले लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद हम सबको मरना पड़ता सबको मार सबको। हे भगवान तू कौन से गुनाह की सजा दे रहा बेटी के भागने का कलंक की बात हमारे लिए आज बेटा भी खून में हाथ रंग का तिल तिल कर गई से चली गई सारी इबते एक प्रार्थना के तो तू मन ठा ले और नाते इस रात की सुबह बतोड़ दे भगवान इस रात की सुबह बतोड़ दे भगवान इस रात की सुबह। हाय राम कुकर हो गया। हाय राम बजरंगी ये गांव वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। चलो देखते हैं। अरे आप लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है। इसने कोई कत्ल नहीं किया इसने हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं की कदर की है। इसने समाज में गंदापन फैलाने वालों को सजा दी है। देखिए सजा देने का अधिकार ना तो पुलिस का है ना किसी विशेष व्यक्ति का। सजा देने का अधिकार अदालत का है और इसको हम अदालत ले जाकर रहेंगे। हाय 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 हाय
नेताजी राम राम। नेताजी राम राम। के बात है प्रधान जी, के मामला है? अजी मामला के है, पुलिस अरविंद को गिरफ्तार करके ले जा रही है, जबकि इसका फैसला गांव पंचायत में होना चाहिए। हाँ दरोगा जी, ये बात तो सही है कि इस मामले को ग्राम पंचायत की राय से ही सुलटना चाहिए। क्या कह रहे हो नेताजी, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये दोहरे हत्याकांड का आरोपी है, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। ये बात तो सही है, अगर हत्या हुई है तो कानून को अपना काम करने दो। ये मामला कानून का नहीं है, हमारे समाज का है, इसका फैसला हमारी खाप पंचायत में आएगी। पुलिस, आए, 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 पुलिस, आए, आए, पुलिस, आए, आए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें अंजाम से डराने की कोशिश ना करो दरोगा जी, उन छोरा छोरी ने गलत काम करा और हमने उन्हें मार दिया। देखिए मामले को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, एक मुस्लिम की सहायता करने के जुर्म में आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए दरोगा जी, ना तो हम गिरफ्तार होने से डरते, ना डंडो बंदूकों से डरते, उन दोनों ने इतना गलत काम किया है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हमारा समाज सहन करेगा। नहीं करेगा। मैं खाप प्रधान की बात से सहमत हूँ, अरविंद को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद ने उन्हें मारकर कोई गुनाह नहीं किया। वैसे तो हम पंचायत करते रहे हमेशा और इस पीढ़ी की खिलाफत करते रहे, आज मेरे घर में जब आग लगी है तो बेहतर तजुर्बे की बात कह दूं। आप मेरी बात को सच समझियो, मैं देविंदर भाई की छोरी ने अपनी छोरी मानता हूँ, इस मसले में छोरी मेरी और छोरा देविंदर का होता तो भी मैं यही बात कहता। पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक ही बात सुनते आए हैं कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। बेशक आज मैं लड़के का बाप हूँ, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं देविंदर भाई और अरविंदर के खिलाफ हूँ। आज मैं सब लोगों के सामने ये बात खोल दूँ कि देविंदर मेरा भाई है, अरविंदर मेरा लड़का है। अगर मुझे इस मसले पर फैसला लेना होता तो मैं भी यही फैसला लेता, क्योंकि मेरे घर में भी बहन बेटी हैं। भाई बहुत ही अच्छी बात कही है भाई हरपाल ने, छोरा मर गया फिर भी ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। देखिए आप ग्राम समाज के हित की आड़ में हत्या नहीं कर सकते, अगर कोई हत्या करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कानून का क्या काम रह गया जब दोनों ही परिवार पुलिस में जाना नहीं चाहते। देखिए ये मामला दो परिवार या समाज का नहीं है, ये मामला कानून का है, इसीलिए अरविंद को हमने गिरफ्तार किया है। भाइयों, मैं सदा इज्जत की खातिर जिया हूं और सदा पंचायत की बात करी है, आज भी मैं न्याय की बात करूंगा, चाहे कटघरे में खुद मेरा परिवार खड़ा है। चोरी मारी चली गई, चोरे ने खून में हाथ रंग लिए, और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरी इज्जत चली गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सरकार चाहे मारे चोरे ने फांसी तोड़ दे, पर आप सब लोग मिलकर इस बीमारी का कुछ इलाज करोगे, और नहीं तो इस समाज में लाज शर्म दीन धर्म सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैंने कानून की बात ध्यान से सुन ली और भाई देविंदर और हरपाल की बात ध्यान से सुन ली, लेकिन समाज की तरफ से फैसला मुझे ही करना है, रीति रिवाज और समाज की मान्यताओं से ही कानून बना है, कानून से एक भी रीति रिवाज नहीं बना है। ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि इतने सदियों पुराने रीति रिवाज और मान्यताएं कानून के नाम पर बलि चढ़ाई जाए। कानून हमारे रीति रिवाजों को लेकर बने हैं, वही कानून हमारे रीति रिवाजों को गलत कैसे ठहरा सकते हैं। हमारे समाज का यही फैसला है, अगर कानून अरविंद को सजा देता है तो हमारे समाज का बच्चा बच्चा कानून के खिलाफ लड़ेगा, 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 खिलाफ लड़ेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मैं छोटी हूँ और जहाँ मेरे बड़े खड़े हों वहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और ज्यादा नहीं रोक सकती। मैं मानती हूँ एक गलती की सजा दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। बबली ने जो गलती की वो छोटी मोटी गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं पूछती हूँ लड़के लड़कियों से कि माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, क्या प्यार नहीं होता? क्या वो उसके बारे में नहीं सोच सकते? क्या उनके सामने बस एक यही रास्ता रह जाता है कि वो उनको रोता बिलखता छोड़ के, उनके अरमानों का गला घोट के, अपनी मान मर्यादा को ताक पे रख के एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी ना इस समाज को कोई जरूरत होती है न खुद उन्हें कोई जरूरत होती है। इस तरह के ओछे रिश्ते इस समाज के लिए गहरे जख्म हैं, और अगर समय रहते इनमें मरहम नहीं लगाया गया तो ये नासूर बन जाएंगे। मेरी नज़र में तो ये पूरा समाज भी गुनहगार है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये हादसे हुए वे समाज से कट के अकेले पड़ गए। समाज ने उन्हें नीचा दिखाया, तरह तरह के ताने दिए, तरह तरह की बातें सुनाई, उनके जख्मों पर नमक छिड़का। जहाँ समाज को उनके दर्द के साथ खड़े रहना चाहिए था, वहाँ समाज ने उनके दर्द का मजाक उड़ाया। मैं ये तक कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अपने माँ बाप का दुलार, उनका विश्वास, अपने भाई का प्यार, ये सब कुछ एक रिश्ते के लिए तोड़कर चली जाती हैं, ऐसी लड़कियों की इस समाज में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ही अरविंद जैसे सीधे साधे इंसान को कातिल बनाती हैं। पर मेरा ऐसा मानना भी है कि एक गुनाह की सजा दूसरा गुनाह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो मैंने किया वो गलत है, ये इसका समाधान नहीं है। लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ऐसी हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखते हैं। एक भाई की इच्छा होती है कि उसकी बहन अच्छे से अच्छे घर में जाए, लेकिन जब वो बहन भाग जाती है, क्या बीतती है उन माँ बाप पर, क्या बीतती है उस भाई पर, जो परिवार हर बुरी परिस्थिति में एकजुट होकर उनका सामना करता है। वो ऐसा कुकृत्य होने के बाद अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, समाज और खुद की नजरों से गिर जाता है। मैं अपील करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करते हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बेवकूफी के बाद वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़ कर जाते हैं। वो अपने बाप और भाई को कातिल बना कर जाते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या करेगा अरविंद जैसा भाई? उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करना चाहते हैं, वो ऐसा ना करें, वरना कितने ही परिवार इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही नौजवान इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही अरविंद जैसे भाई जेल में पड़े हुए हैं, और कितनी सारी चीजें इसमें खत्म हो चुकी हैं। लाख मीडिया इसको समर्थन करे, लाख कानून इसको संरक्षण दे, लाख बुद्धिजीवी हमें गलत कहें, लेकिन हमारे पास हमारे रीति रिवाज और समाज को चलाने के लिए और हमारी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए इससे दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं अपील करूंगा सर्व समाज से कि मैंने जो करना था कर दिया है, अब कानून को अपना काम करने दे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाज और परंपराएं एक कानून बने, वो लड़के लड़कियां जो भाग जाते हैं उनकी शादी अवैध घोषित हो, हमारे समाज में भाग कर शादी करना बिल्कुल अमान्य है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहां ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी। पुलिस, हाय हाय, पुलिस, हाय हाय, पुलिस, हाय हाय।
मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे शबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। बस एक बार नू कह दे अक मैं तुझे अच्छी लगूं। छोरे ने बिगाड़गी छोरी चाड़ पाड़गी, काड़ जाली काड़ गया। मुझे आज अपने भाई पे गर्व है और गर्व तुम्हें भी होना चाहिए कि इसने समाज के सामने छाती ठोक के अपना प्यार मांगा है। पीके दूध लग जायो भंगा घना दिखावे से, हेमा मालिनी बन के या धर्मेंद्र मने बतावे है। दिन निकटता नहीं उसका उलाना पहले आले है। छोरा वो हसीन है मजा तो तब आता जब इसकी टांग तोड़ने वाले हाथ मारे खुद के होते। हक लेन चावे निभा लेगा। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। मुझे पता था तू जरूर कोई जहरीली हरकत करेगा, इसीलिए मैं तेरे ऊपर नजर रखू था। उम्र 16 साल है जोपन बेमिसाल है, देख के जवानी मेरे दिल का बुरा हाल है। उससे होगा उससे होगा उससे होगा रंगमन मिल जाता। मन जवाना बन गया मारे पैर निशाना बन गया, जाली मोने दो जिया पे जुल्म डा दिया। आज तेरे जन्म ने सर हम मेरी आबरू तक आ पहुंचे हैं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी, जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। अच्छा धरण देख बता के जा रहा मैं रोक ली अपने शेर को और नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा, फिर नुकेंगे लाला जी ने रिपोर्ट कर दी। चल बे ज्यादा हीरो बनता है बात क्या झूठ के बात कर, मैं बनाता हूं तुझे हीरो। और न जाने कितनी शादियां हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई है। यू किसी दिन ऐसा काम करेगा खड़े ही लिखाओगे। हमें से पूछ करे कर तू पिताजी कहते हैं अकड़ में रहते हैं। जबान संभाल पहलवान मेरा छोरा इतना खराब नहीं है। मेरा यार बड़ा चित्तचोर चित्तचोर के हाल कहूं बेदर्दी का। अगर आज शाम तक तेरे छोरे को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर जय मेरे छोरे का हाथ लगा दिया ना तो पहाड़ का दो कर दूंगा। मर जाने अब घर तक आ लिया तुम्हें काबू में भी तो करना है। दिखे बोलिए होश में ना पेट में दनाती दे दूँ। सब्जी कहाँ है? मर्जी ना तो रहन दे। अरे मैं ना पढ़ता हूँ प्यार व्यार के चक्कर में। तेरे बिन रहा ना जावे मीनू अब इस छोरे पे। चौधरी आज शाम तक अगर मेरी छोरी घर नहीं आई तो वो जहाँ भी होगा उसकी लाश जरूर आ जाएगी। बटना मलो और तेल चढ़ाओ, बटना मलो और तेल चढ़ाओ। अगर आप मीनू को इस घर में नहीं रख सकते तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। इंटर में होगी फेल और छोड़ तेरे चक्कर में।
भाई वाह, मजा आ गया। तुमने तो सारे आशिकों को फैल कर दिया। मेरा यार बड़ा चित चोर के हाल कहूं बेदर्दी का। पिताजी कहते हैं अकड़ में रहते हैं। कैसेट्स और बीसीडी सोनोटेक कैसेट्स पर उपलब्ध। रुक्या रुक्या जा है, या तो वो समझ जा, अनु तो आ रहा हूँ मैं लाठी लेकर, छोटू ना मैं। हम फाड़ दे, हम धमाका कर देंगे, और पीछे पीछे हटे चाका कर देंगे। मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, नशा करना और नाश करना, यही दो काम आते हैं तुम्हें। जी भी तो मैं कह रहा, थारी राम राम बढ़िया, बाप करे राम राम और बेटा बांध दे थाम जाम। पत्थर में अगर फूल खिल सकता है तो ये भी हो सकता है। हर कहो अगर छोरी तू नाट जागी, जीव ना कति भी धरती फाट जागी। ओ शायरी का नहीं, प्यार का मूड है। ये तेरी इंजीनियरिंग का मामला नहीं है और ना ही ये क्रिकेट का मैदान है। आज रात तू से लाला के घर से खा के लाना है। अंकल देखो ना, ये गीता की इज्जत लूटना चाह रहा था, अब मैंने बचाना चाहा तो मेरे से लड़ बैठा। बाण बेटी सब कहे, बताओ या छोरी के कहोगी? माँ मैं दलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अरे छोटे आज हम भी ना खाली, हम इस छोरे ने एक औलाद पैदा हुई और वो भी नालायक निकम्मा। अगर तू इंसान है, तेरे थोड़ी गणित शर्म ले आ जाना तो मेरे घर आ करना पड़ जाइए। ये देश ही सुधर जाएगा अगर हर घर में ऐसा नौजवान हो। युवा शहर की ना, चाहे अमेरिका की क्यों ना हो, मैं उसका वो हाल करूँगा जब काड़ू के नाम से भी डर लगन लग जाओगा। सरसों का साग बढ़ाकर मक्का की रोटी पका के खेत में लइए तू, मने खिलइए तू। मैं सब बिल्कुल ना छोटू, मैं इसका खून कर दूंगा। तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। काड़ू से पंगा, तेरा वो हाल करूंगा बालक भी देख के डरे करेंगे, घर में भी बुरके में रहना पड़ेगा। कैसेट्स और बीसीडी सोनोटेक कैसेट्स पर उपलब्ध। सोनोटेक कैसेट्स। बूढ़ा होना या बीमार होना कोई अपराध नहीं से, कि जिसने लोग तो के अपने भी अछूत समझे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाऊजी ने दिखा दो कि फैसला नहीं ना, हम भी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, थारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। इस देवता की यो औलाद, जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीने दबा दिया। मेरी तकदीर तो देख देवी का, कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। जो तू कुणबे का मतलब जानता ना, तो आज इस घर के मालिक वृद्धाश्रम में ना पड़े होते। देवका माँ बाप की कमी वही महसूस कर सकता है जिसके माँ बाप न हो। मैं बताऊंगा जज साहब, बढ़ती हैसियत और बढ़ते रुतबे के साथ गरीब की इज्जत करना भी सीख ले। चम 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 पाया मैं किसी बाजर ही रमजोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। जानता है ना कि मन ने पढ़ना ना आवे, लेता हूँ मैं
भूरामल जी के सारे मैं राजनीति में जाना चाहूँ। बेटा अगर भूरामल जैसे आदमी की लंगोट पकड़ के चलोगे ना तो किसी दिन उसने यो तेरे दरवाजे पे खोल देगा। कोई कहे यार तन्ने प्यार होलिया किस हुर परी का दीदार होलिया समझ ना आवे है कैसे बजा सारे यार कर ले वे मेरा मजा यारो यारो मेरा दिल ना लागे। जब बेटी कोई भूख बढ़ जाए से ना तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाऊजी रे दिखा दो क्या फैसला नहीं ना हम भी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से थारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। उनके दिमाग की नस फट गई है। मैंने तो यो दुख से इस देवता की यो औलाद जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम बेदम हुए तो आज जमीन ने दबा दिया। सुख दुख धूप छांव दो पहरू एक आवे एक जावे रे। मेरी तकदीर तो देख देविका कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। सच्चा मानस हर हालत में अपना फर्ज निभावे रे। छह महीने से बाबूजी की सेवा नहीं करे तो और क्या करे इनकी बदबू सहन करे। आपको शर्म नहीं आती माँ? थारी औकात जो मैंने बता दी तो तुम ऊंची दीवारों भी 10x10 के कमरे में बैठे मिलोगे। एक पंच और दो काज। जो तू कुंडे का मतलब जानता ना तो आज इस घर के मालिक वृद्धाश्रम में ना पड़े होते। मर जाने मन लोग कहे मर जाने एक नजर भी जिसने देखूं कि हो जा खत्म कहानी। तू बुढ़ापे की ठोकर को जानता था इसलिए तूने अपने किसी भी अवतार में बुढ़ापे को नहीं दिखाया। बूढ़ा होना या बीमार होना कोई अपराध नहीं से कि जिसने लोग तो के अपने भी अछूत समझे हैं। इस कुड़वे का हर सुख मन ने प्राण ते भी की गलती ना है मेरी जुत्ती का वजन कम हो गया। मारो 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 इसे। छोरा बॉडीगार्ड छोरा बॉडीगार्ड तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मरने के बाद भी तुम याद रखोगे। किसी को हो ना हो मुझे खुद पर मेरे संस्कारों पर और मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। उस मामूली इंसान के लिए तुम क्रीश मामूली इंसान नहीं है डैड और ना ही उसे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझे डर लग रहा है क्रीश, मुझे डर लग रहा है। मीरा मर गई। मीरा मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझसे बात मत करना। अब से हमारी हर चाल में सावधानी बरतनी होगी। आज तक अपनी कोई भी चाल फेल नहीं हुई है मुनीम जी। अरे तो एक अच्छा लड़का देखो अपनी लड़की लाखों में एक है। क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आप कौन? लेकिन मैडम पैसा फालतू का खर्च करना मतलब मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मीरा तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जितना मांगा है उतना दो। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है मैडम? कम है और दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोटी बालकी एक थप्पड़ मारने के 100 रुपए लाओ। क्रिश क्रिश क्या हुआ तुम्हें? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अगर मैं घर गई तो डैडी मेरी जबरदस्ती शादी उस विक्रांत से करा देंगे। कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। Thank you.
का आवाज सुनाई दे रही है, कोई याद कर रहा है मेरी, दिल से पुकार रहा है मुझे। चुप हो जाओ कृष, चुप हो जाओ। नहीं मीरा, मुझे कोई पुकार रहा है, कौन है वो? और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। यही का नहीं पता चला आज, लो हमें इन 5-7 कामों को यही कहते दिखे हमें। मेरे सामने इतना टॉप का माल रहा है, फिर भी तू मौज ना ले पा रहा। अरे मिलाई के अब मजा होगा जब दोनों देवता देवतियों को गोद में खिलाओगे। मारते मस्तर में हमें तो बता दी। बता दी। कदी कदार। क्या है? दिखता ना है तुझे? तू अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता? एक थप्पड़ लग गया ना आँख और दिमाग दोनों खुल जाएंगे। तू मारेगी मेरे? इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था। तने ये अकलमंदी करी कैसे? अरे काम की हर छोरी भाण हो भाई। और बाहर की? बाहर की बहू भी हो सके। आ गया ना वही। जा फटाफट दूध लिया। मुझे मिल गया तो आज मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। अगर माँ बाप यहाँ ना करे रुका नहीं जाता, ऐसी आग लग रही है। ये कैसा धर्म संकट है, एक तरफ प्यार और एक तरफ मेरा परिवार। ये हो रहा मेरा तेरे जैसा भाई पिट रहा कोई? आज चल के देखूं की बात। थोड़ी थोड़ी का होगा। अरे तेरे काम की बात है, शहर जा रहा हूँ, ले आऊं सिला जी। जान दे तेरी मर्जी। अरे सुन तो सही। अरे ले आइए। भैया आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा? अच्छा बाबा तेरी कसम, और कुछ? और से हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहां ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी।